ये प्राचीन विज्ञान अपने अंदर समाज से भी जुड़ा हुआ है, वाणिज्य से भी जुड़ा हुआ है, आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तभी आप जो बता रहे थे कि धर्मों में त्रिमूर्ति या त्रिएक ईश्वर का विश्वास अल्केमी से आता है, उसे कारण धर्म भी तब इस प्राचीन विज्ञान जैसा आप बोलते हैं कि एक डाली है, कनेक्शन यहाँ भी है। बिल्कुल है, एकदम स्ट्रांग कनेक्शन है। इसको डिटेल से बताने से पहले हम एक टर्म बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। वो टर्म है डॉक्ट्रिन ऑफ डबल प्रोसेशन, हिंदी में द्विज उद्भव का सिद्धांत। ठीक है, तुम ये तो जानता होगा कि धर्मशास्त्र यानी थियोलॉजी जो अध्ययन है ना, उसमें हम धर्म के केंद्र यानी विश्वास के आधार को व्याख्यित करने का जो विधि है उसका अध्ययन करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों का विश्वास क्या है, कैसे है, उसके बारे में अध्ययन थियोलॉजी में होता है। ठीक है, माने सिद्धांत सबका स्टडी। तो धर्म का जो ये सिद्धांत है ना, वही डॉक्ट्रिन कहलाता है। ईसाई धर्म में यह सिद्धांत त्रिएक परमेश्वर के रूप में उजागर होता है। ठीक है, अब ध्यान दो कि पाश्चात्य कलीसिया, बोले तो पश्चिमी चर्च संगठन, कलीसिया क्या है, एक ग्रीक वर्ड एक्लेसिया से आता है, उसका मतलब होता है समाज। तो पश्चिमी चर्च समाज बोला जाए तो, मैंने उसको इसलिए मॉडर्न हिंदी में तो संगठन बोल देते हैं क्योंकि अब तो संगठित रूप में है ना, शुरू में जैसा था, तो उसमें त्रिएक परमेश्वर को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के विभाजित मगर एकीकृत स्वरूप में उसको मानते हैं और विश्वास भी करते हैं। लैंग्वेज तो अभी जो बताया उसके जैसा लग रहा है, विभाजित मगर एकीकृत, ये तो मूल तत्व के डेफिनेशन जैसा हो गया फिर। पटरी पर ऊपर स्टेशन पार हो गया, थोड़ा धीरे, अभी इतिहास थोड़ा रिवाइज करते हैं। ठीक है, त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और पश्चिमी दुनिया का जितना भी चर्च वगैरह है ना मॉडर्न चर्च समय में, इनफैक्ट प्रोटेस्टेंट डिविजन के बाद जो भी चर्च सब आया पाश्चात्य दुनिया में, उसमें ये जो त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत है वो एक समान मानते हैं। कहने का अर्थ है कि वर्ड टू वर्ड और सिद्धांत एग्जैक्टली एज इट इज। ठीक है, इसमें कोई भेद या अंतर शब्दों का या विश्वास का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, परंतु ऐसे शुरुआत में नहीं था। ओह, मतलब बोलिए कि यहाँ पे भी विभाजन वर्गीकरण है, ये तो कोई संयोग नहीं रहेगा। देखो, मैंने पूर्वी कहा हुआ था है ना कि सृष्टि में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, जो भी होता है पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूर्व निर्धारित नहीं बोल रहे हैं, कहने का आती है कि जो भी चीज़ होता है ना, वो संयोगवश नहीं होता, कारण के अनुसार होता है। ठीक है, अभी जितना भी हम लोग इतिहास देखे है ना, विज्ञान और नॉर्मल इतिहास भी, अल्केमी, तो कुछ भी संयोगवश हुआ ऐसा नहीं है, कारण सब रहे है ना। टॉपिक पे आते हैं। ऐतिहासिक रूप से ईसा मसीह के बाद कलीसिया का जो उपासक थे, त्रिएक ईश्वर का सिद्धांत जिस रूप में पालन कर रहे थे ना, वो आज का दुनिया में केवल पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म में पालन होता है। ठीक है, मैंने उसमें जीवित है ये सिद्धांत, और इतिहास में जब देखा जाए तो ये जो सिद्धांत का अंतर हुआ ना, इसी के कारण चर्च का विभाजन हुआ। मैंने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी उनको इंग्लिश में बोल रहे हैं, रूढ़िवादी चर्च मतलब क्या है, पुराना ऑर्थोडॉक्स विचार, तो दो विभाजन हुआ, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी चर्च हो गया और वेस्टर्न रोमन कैथोलिसिज्म हो गया। माने रोमन कैथोलिक विश्वास। तो पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म जो रोमन कैथोलिक चर्च के विभाजन से पहले का जो सिद्धांत मानते आ रहे हैं ना, असल में वही ओरिजिनल सिद्धांत है या मूल सिद्धांत है। मतलब कि पश्चिमी चर्च गलत सिद्धांत मानती है क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ सही गलत का बात नहीं हो रहा है, हम बस ऐतिहासिक फैक्ट बता रहे हैं कि सिद्धांतों में कुछ अंतर हैं जिसके कारण मतभेद होकर विभाजन हो गया, और पूर्वी और पश्चिमी चर्च में ये दो अलग सिद्धांत है। ठीक है, और हम बस इतना बोल रहे हैं कि पूर्वी चर्च जो सिद्धांत मान रहा है वो पहले से चला आ रहा है। रोमन कैथोलिसिज्म में जो सिद्धांत है वो बाद में हुआ। तो ये सिद्धांत का अंतर बताइए। पश्चिमी कलीसिया
जिसको बोलेंगे ना वेस्टर्न चर्चेस, इसमें त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत यह मानता है कि पवित्र आत्मा का जो उद्गम है यानी उसका जो ओरिजिन है पिता और पुत्र दोनों से अनंत और हमेशा के लिए होता है, ठीक है, अर्थात द्विज उद्भव। अब समझ में आया कि डबल प्रोसेशन द्विज उद्भव हम क्यों बोल रहे हैं? कहने का अर्थ कि पवित्र आत्मा का जो इमेनेशन यानी उसका जो प्रकटन है वो एक ही समय में एक क्षण में हमेशा हमेशा के लिए अनंत रूप में पिता और पुत्र दोनों से हो रहा है। ये पश्चिमी विश्वास है, यानी कि पश्चिमी चर्च में कौन कौन, रोमन कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट और उसके बाद जो भी मेथोडिस्ट, सेवन डेज, जो भी बहुत सारा नया चर्च सब ना चर्चेज ऑफ नॉर्थ इंडिया यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, और एक्स्ट्रा और चर्च क्या है बोलने से लोग वैसे ही समझेगा, है ना, तो वो एंग्लिकन चर्च का इंडियन रूप है ना। तो ये सब पाश्चात्य चर्चेज हैं, मतलब यूरोप, पश्चिमी देश बोलने से यूरोप हो जाता है ना, यूरोप और अमेरिका। तो उसके अब पूरी पूर्वी रूढ़िवादी कलीसिया का जो त्रिएक परमेश्वर का सिद्धांत है वो यह मानता है कि पवित्र आत्मा का जो उद्गम है अनंत और हमेशा के लिए एकमात्र पिता से होता है, वो लोग उसमें ईसा मसीह यानी पुत्र को नहीं डालते। त्रिएक ईश्वर बोल रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा का उद्गम सिर्फ पिता है एकमात्र, और उसी से ईसा मसीह का भी उद्गम है एकमात्र। मैंने वहां पर थोड़ा सा अंतर, अब थोड़ा पता चला अंतर। अब इन तथ्यों का अर्थ क्या हुआ? ये इस बात को बता रहा है कि पश्चिमी कलीसिया में जो त्रिएक ईश्वर का सिद्धांत है ना वो बिना मिलावट का सीधे सीधे अल्केमी और हर्मेटिक शास्त्रों से आ रहा है, क्योंकि ईसा मसीह के जाने के बाद जो उपासक लोग थे वो जो सिद्धांत मानते थे उसमें पुत्र को ईश्वर से ही इमेनेटेड और पवित्र आत्मा को भी ईश्वर से इमेनेटेड, मतलब दो अलग अलग जगह से मान रहे थे, है ना। लेकिन हर्मेटिक शास्त्र में ये चीज़ है और अल्केमी शास्त्र में कि एक ही स्रोत के ये के जगह में माने दो स्रोत उनका हो रहा है, ठीक है, और वो दोनों एक ही चीज़ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप से है कि नहीं? ये जो आप हर्मेटिक शास्त्र बोल रहे हैं ये क्या है? ये अल्केमी जैसा ही, ये दोनों प्रथा माने अल्केमी और हर्मेटिक है ना, ये दोनों प्रथा ईसाई धर्म से भी बहुत पहले अस्तित्व में था, माने ईसाई धर्म का जो जन्म हुआ बोलेंगे ना खुद ईसा मसीह से भी पहले का ये सब ये है ज्ञान है, ठीक है। हर्मेटिक प्रथा या हर्मेटिसिज्म जो बोला जाता है वो एक गुप्त विज्ञान प्रथा है अल्केमी जैसे ही, जो ईसा पूर्व मिस्र से उत्पन्न हुआ है। देखो ये भी मिस्र से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रथा है। टेक्निकली उसको भी अल्केमिकल प्रथा बोल सकते हैं लेकिन उनका अपना एक सिद्धांत सब है, इसलिए वो हर्मेटिक सिद्धांत बोला जाता है। हर्मेटिसिज्म का नाम में ही वो आ जाता है कि वो गुप्त सिद्धांत है, ठीक है। और ये जो प्रथा है ना वो यहूदी धर्म जो बोलेंगे ना माने पुराना बाइबल का जो धर्म हुआ उससे भी 2,000-3,000 साल पुराना है मिस्र का, ठीक है। और ये विज्ञान जो है वो भी अल्केमी के जैसे ही सृष्टि और भौतिक माध्यम का अध्ययन का विज्ञान है। इसलिए जब पश्चिमी चर्च सिद्धांत को किसी गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन या टोपोलॉजिस्ट के दृष्टिकोण से पढ़ा जाए ना तब वहाँ सिद्धांत की आवश्यकता ही खत्म हो जाती है, मतलब धार्मिक सिद्धांत की, ठीक है, क्योंकि तब यह जो गणित है वो एक रूपक या मेटाफर हो जाता है। ये जो टोपोलॉजी शब्द यूज कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है? टोपोलॉजिस्ट टोपोलॉजी विज्ञान के वैज्ञानिक को कहते हैं, ठीक है, जो स्थान और आयाम जो बोल रहे थे ना उस समय जगह, ठीक है, तो जो भी चीजें प्रतिरूप रूप सब है ना उसमें क्या बदलाव है, उसमें गति है, उसका प्रभाव है, अभाव है, ये सब का जो अंतरण संबंध है ना उसका अध्ययन है। कोई शेप कैसा है, उसका शेप अगर बदलता है तो किस तरह से मुड़ता है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, ठीक है। और मैंने बेसिकली ये भी गणित का ही एक रूप है जो स्पेसिफिकली रूप रंग रूप से जुड़ा हुआ है ना। सो गणित और टोपोलॉजी के माध्यम से ये सिद्धांत जो है ना मैंने ईश्वर के बारे में ये उसके ईश्वर के बारे में नहीं कुछ बोल रहा, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज और टोपोलॉजिकल लैंग्वेज से देखा जाए तो ये उसके विपरीत मूल तत्व में जो भौतिक माध्यम है, मैंने बोल रहे थे ना उस समय हम लोग मूल तत्व का जो आयाम और ये सब जिसके पहले जो वो चीज़ है उसका अध्ययन है। ये जो डॉक्ट्रिन ही है, ठीक है, ये मूल तत्व के विभाजन का ये रूप आप तभी मैथ से जो समझा रहे तो वही है क्या? हाँ, इसमें थोड़ा अभी डिटेल है, ठीक है। हर्मेटिक शास्त्र में त्रिएक परमेश्वर का जो भाग है ना क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हर्मेटिक में उसका मूल जो रूप है ना
मैं अभी क्या बोला, हर्मेटिक शास्त्र और अल्केमिकल शास्त्रों के बाद ये चर्च का ये डॉक्ट्रिन बना था ना। तो जो हर्मेटिक मूल है उसमें ईश्वर आयाम और ब्रह्मांड है, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल मेटाफर जो बोला ना अभी, उसके ऊपर जब डिस्कशन करें ना तो और डिटेल्स पे चले जाएंगे, अभी केवल इसका इतिहास से जो चीज़ है ना वो बात करें। अल्केमी और हर्मेटिक शास्त्रों के तुलनात्मक स्टडी में ये बात एकदम साफ साफ क्लियर होता है कि भौतिक माध्यम में जो मूल तत्व का विभाजन है ना, वही त्रिएक सिद्धांत है, धर्म का कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ। अब अल्केमिकल सिद्धांत क्या कहता है कि पाश्चात्य ये जो द्विज उद्भव सिद्धांत या डबल प्रोसेशन बोलेंगे ना, जब इसको अल्केमी का लैंग्वेज से डिफाइन करते हैं ना, तो पारस पत्थर का जो उद्गम है यानी उसका जो प्रकट होने का जो ये है प्रक्रिया है, वो भी दो स्रोत से संभव है। तब पहला स्रोत क्या हो जाता है, मटेरिया प्रीमा, मूल तत्व। मूल तत्व देखो, धर्म का चीज को अगर हम अल्केमिकल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो पहला स्रोत पारस पत्थर जो मिल रहा है उसका पहला स्रोत मटेरिया प्रीमा हो गया, मूल तत्व हो गया। और जो दूसरा स्रोत है वो साधारण भौतिक तत्व है। धर्म में क्या है, पुत्र क्या है, मनुष्य रूप में भौतिक पृथ्वी में जो ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ही है लेकिन भौतिक रूप में है, और ईश्वर जो स्वर्ग में है, तो पवित्र आत्मा दोनों से आ रहा है। पारस पत्थर उस मूल तत्व से, और क्या बोलते हैं जो भौतिक तत्व है, पारस पत्थर कैसे बन रहा है, स्वर्ग का जो मूल तत्व को उतार के जब भौतिक तत्व में उसका ये को असर को कैद कर देते हैं तो पारस पत्थर बनता है ना। और अल्केमी का जो प्रयोग है ना, उसका जो पद्धति सब जो मैंने प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस, उसके द्वारा साधारण तत्व में पारस पत्थर का जो गुण है ना, उसको स्थापित किया जा रहा है। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर मूल तत्व ईश्वर है तब मूल तत्व से निकला साधारण तत्व मनुष्य है। अब साधारण तत्व यानी मनुष्य, मूल तत्व यानी ईश्वर को स्थापित करने से पारस पत्थर बनेगा, क्योंकि मूल तत्व ही पारस पत्थर है। एकदम ठीक समझ रहे हैं। यानी मनुष्य सोना बन जाएगा। मनुष्य सोना बन जाएगा तो क्या समझ रहे हैं? सोना, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सोना करते यहाँ पे हुआ कि मनुष्य आत्मिक आध्यात्मिक तौर पर ऊपर उठ सकता है। तो तुम अभी जो चीज़ बोल रहा है नया नियम में शब्द से शब्द यानी एग्जैक्ट जो है ना, वही चीज़ तो लिखा है। देखो, हम धर्म का लैंग्वेज से पढ़ते हैं और सोचते हैं कि कितना महान चीज़ पढ़ रहे हैं, वो अल्केमी का बात कर रहा है। ठीक है, आदमी जिस चीज़ों को अलग अलग देखता है ना, सब चीज़ें मिली हुई हैं, ईश्वर ही अगर मूल तत्व है और मनुष्य भौतिक तत्व है, तो मनुष्य में मैंने उसको सोना बनाने के लिए, उसको आत्मिक आध्यात्मिक बनाने के लिए, ईश्वर से नज़दीक करने के लिए, यानी भौतिक तत्व को मूल तत्व से करीब लाने के लिए बारस पत्थर का जरूरत है। उसी मूल तत्व का जरूरत है। तो धर्म यही चीज़ तो बोल रहा है कि ईश्वर को अपने जीवन में उतारो। अगर न्यू टेस्टामेंट में अल्केमिकल ज्ञान धर्म की भाषा के पीछे छिपाया गया है, तो फिर तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी होगा, क्योंकि आप बताए थे कि अल्केमी का इतिहास यहूदियों से भी पुराना है। इसका कारण है, ठीक है, अल्केमिकल शास्त्रों में जो ये सिद्धांत हुआ ना, जो पाश्चात्य चर्च सिद्धांत माने जो ये समानता जो दोनों में दिख रहा है ना, तो उसका रीज़न ये हो रहा है कि अल्केमी पश्चिम यानी कि यूरोप में जीवित इसलिए भी रहा क्योंकि इसका जो समानता दिख रहा था ना इस डॉक्ट्रिन का, उसका फ़ायदा उठा के अल्केमी का जो वैज्ञानिक लोग था वो लोग अपना वैज्ञानिक जो रिसर्च का शास्त्र सब सूत्र सब है ना, उसको धर्म का भाषा में छुपाने लगा, और उसको आसानी से छुपा भी सकता था। देखा कितना करीब है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आधा से अधिक चीज़ तो उसमें अल्केमी की चीज़ें लिखी हुई है, क्योंकि उनका जो लैंग्वेज यूज़ हो रहा था ना वो हु बहु एकदम वर्ड टू वर्ड उसी में चिपकाया हुआ है। आदमी उसको धर्म समझ रहा है क्योंकि वो लोग वैसे ही चीज़ किए, क्योंकि इतना समानता था इसलिए उस तरह से वो लोग छुपाए। ठीक है, अब तुम ये चीज़ भी देखो कि तुम खुद बिना ये को याद किए, मैंने तुमको तो हम तो नहीं बोले कि पुराना न्यू टेस्टामेंट से वो चीज़ को याद करो कि
आत्मिक रूप को मनुष्य माने मनुष्य का जो भौतिक रूप है उसमें आत्मिक रूप को स्थापित करना ही अल्केमी है ना। और वो न्यू टेस्टामेंट में वही लैंग्वेज यूज हुआ है, ठीक है। अब यही न्यू टेस्टामेंट का मैं कॉमेडी बोलता हूँ, ठीक है। जो ये एसोटेरिक साइंस है ना, उसी के कारण बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट है उसका बहुत सारा जानकारी जो है वो खुद एसोटेरिक अल्केमिकल जानकारी है, ठीक है। पर सिंपल लोग उसको धार्मिक ज्ञान समझता है, गलती उनका भी नहीं है, क्योंकि जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं उनको भी ये इतिहास नहीं पता। आदमी चर्च का जब इतिहास पढ़ता है ना तो सिर्फ वो चर्च से रिलेटेड इतिहास पढ़ता है, उसके आजू बाजू क्या हो रहा था, क्या घट रहा था, दुनिया का इतिहास नहीं पढ़ता। लेकिन दुनिया का इतिहास का प्रभाव पे ही तो चर्च आके पढ़ा ना। तो वहां पर ये अल्केमिकल मीनिंग चल रहा था। अब तुम बोला कि पुराना टेस्टामेंट माने ओल्ड टेस्टामेंट माने पुराना नियम में भी ये सब चीज है क्या, तो तुम खाली इमेजिन करने का कोशिश कर रहा हो कि कौन कौन सा पार्ट अल्केमिकल है और कितना सिंपल, ठीक है। एक एक चैप्टर पे अगर डिस्कस करने बैठेंगे ना तो सालों बीत जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाइबल धर्म कम, अल्केमी इतिहास का किताब और सोर्स मैंने जो स्रोत बोलेंगे ना वो ज़्यादा है, ठीक है। कुछ महान आत्मा सब बोलते मिलेगा तुमको कि देखो बाइबल को साइंटिस्ट लोग भी पढ़ता है ना, या पढ़ते रहता है या पढ़ा था, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है ना, उनको लगता है ईश्वरीय ज्ञान है इसीलिए पढ़ते रहता होगा, है ना। इसका कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। जिनको अल्केमी के बारे में पता है, और तुमको हम क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न साइंस के बहुत सारे लोग इसका रिलेशनशिप अभी समझ गए हैं अल्केमी का जो विज्ञान है उसके ऊपर से। तो जिनको पता है वो तो उस चीज़ को खोजने के लिए पढ़ रहे हैं, उनको धर्म से लेना देना नहीं। क्योंकि उसमें जो अल्केमिकल सूत्र छुपाया गया है ना, उसमें बहुत सारा पुराना चीज़ सब उजागर हो रहा है, जिसको मॉडर्न समय का साइंटिस्ट लोग अल्केमिकल लैंग्वेज से यूज़ करके पढ़ के मीनिंग निकालता है कि आगे क्या करना है, ठीक है। माने वो लोग तो अल्केमी पढ़ रहे हैं ना, और इन सब चीज़ों में जो धर्म का जो धार्मिक लोगों का मॉडर्न अहंकार बोलेंगे ना कि मेरा इसमें बहुत महान ज्ञान, इसका कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि वहाँ विज्ञान का बात हो रहा है। मैं तुमको पहले क्या बोला था, पुराना समय का लोग धर्म और विज्ञान को अलग नहीं देखता था, ये तो हम लोग अभी करते हैं ना कि या तो धर्म या विज्ञान, और विज्ञान को भी धर्म के नीचे होना चाहिए। या तो मैं कर तो मैं यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विज्ञान, ये जो विज्ञान है एक तरह से धर्म की बुनियाद है। एकदम है। लोग उल्टा समझते हैं, धर्म को सबका न्यू बनाने खोजते हैं, यहाँ उल्टा है, इतिहास उल्टा है। ठीक है। हाँ, कौन गेस कर सकता था कि खुद जेनेसिस चैप्टर में ही दो घटना अल्केमिकल मीनिंग से आता है। हाँ, तो जो तुम पहला जो बेबीलोन का मीनार और क्या बोलते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का विभाजन है ना, अल्केमिकल लैंग्वेजेस देख रहे हो ना। आपको स्पेसिफिक चैप्टर बताइए जो मल्टीपल मीनिंग बताते हैं। हम इससे भी ज़्यादा मस्त चीज़ कर रहे हैं, तुमको पिन पॉइंट घटना बताते हैं जहाँ पर मल्टीपल मीनिंग को छोड़ दो, पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो पूरा का पूरा चैप्टर ही अल्केमिकल लैंग्वेज में है। और ऐसा छुपाया दोहरा भाषा में नहीं, ओपनली है, ठीक है। तुम हमको बताओ कि एक्सोडस या निर्गमन का जो चैप्टर है ना, मूसा का कहानी, मोसेस का कहानी, ठीक है, उससे तुमको हम एक चीज़ पूछ रहे हैं कि जब वो पहाड़ से उतरा था, ठीक है, सिनाई पहाड़ जिसको सिनाई पहाड़, ठीक है, बाइबल में सिनाई पहाड़ लिखा है, मगर वो जिस जगह का जिक्र हो रहा है ना वो एक्चुअली में एक प्रायद्वीप है, जैसे भारत प्रायद्वीप है ना, वैसे ही भूगर्भ मैंने भूतल का एक स्पेसिफिक पार्ट है मिस्र के पूर्व में, वो पूरा का पूरा एरिया का नाम सिनाई है। तो कोई स्पेसिफिक पहाड़ का नाम नहीं है। नहीं, बाइबल ऐसे ही बहुत सारा हरकत करता है जहाँ पर वो स्पेसिफिक नाम दे दिया है पूरा का पूरा रीजन को। वो जातियों के साथ भी ऐसे ही करता है, कुछ कुछ जातियों का नाम में ही उसका राजा का नाम भी उसी में घुसल रहा था। वो उसका जो लेखक लोग है ना वो लोगों का हरकत है, उसके ऊपर हम लोग क्या क्या वो लोग कांड किया वो सब बात करेंगे। बट जो सिनाई मैं बोल रहा हूँ ना वो एक स्पेसिफिक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, माने पठारी प्लस पहाड़ी मिक्स करके मान लो। हम लोग जैसे झारखंड पठारी बोलते हैं ना, तो इसमें अगर और ऊंचा ऊंचा कुछ कुछ पहाड़ सब भी अगर साथ में मिला दोगे, लेकिन सूखा एकदम बियाबान बंजर वैसा जगह में से है सिनाई, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो पहाड़ से उतरा था तो यहूदी लोग क्या कर रहे थे उस समय, सोना का बछड़ा का मूर्ति का पूजा कर रहे थे। वो करते हुए जब उनको देखा तो क्या किया वो? वैसे मेरे को तो एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो मूर्ति को गलाया था
फिर चूर किया, उसके बाद उसे पानी में मिलाया और यहूदियों को खिलाया। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है? ओके, हम एग्जैक्टली इसमें अभी नहीं जम कर रहे, तुमको थोड़ा पहले से उसका भूमिका बांधते हैं, है ना, बैकग्राउंड। अल्केमिकल शास्त्र जब को जब तुम पढ़ना ध्यान से पढ़ना शुरू करोगे ना, तो ये बोलता है कि मूल तत्व का जो गुण और व्यवहार है ना, साधारण तत्व में गढ़ के पारसमणि बना सकते हैं, ठीक है, माने कि साधारण जो धातु है ना, मेटल, उसको भी सोना बना सकते हैं। तब उस मणि का जो, मैंने जब वो पारस मणि का हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका जब भौतिक रूप में प्रकटन होता है ना, मूल तत्व का जब कैद कर लिए हो, तो दो रूप में होता है, ठीक है? Okay. और उसका जो परोक्ष रूप है ना, मैंने आँख के सामने जो दिख रहा है, जिसको तुम अपना भौतिक समझ में समझ रहे हो, वो दो रूप होता है, ठीक है? पहला जो रूप है वो एक काढ़ा जैसा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं टिंक्चर, ठीक है, यानी कि एक तरह का लसलसा पदार्थ टाइप का, लेकिन तरल तरल पदार्थ, हाँ, मैंने पारा जैसा समझो, है ना, पारा यानी मर्करी, ओके, कैसा रहता है थर्मामीटर के अंदर, ऐसा ऐसा गीले लिक्विड, है ना, तरल अवस्था है ना, लेकिन वैसा एकदम ये नहीं, मैंने उसका जो कैसा उसको बोले मधु को छू रहे हो टाइप का भी लगेगा, ठीक है? कुछ शास्त्र में इसको ना गाढ़ा एकदम खून सा लाल रंग का बताते हैं, ठीक है? और जब ये इस रूप में प्रकट होता है तो उसके भीतर बीमारियों को ठीक करने का क्षमता होता है, ठीक है? और कुछ कुछ शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि वो अमरता भी प्रदान करता है जो उसको अगर खा ले तो, और मतलब एकदम सटीक क्षमता, ऐसा नहीं कि यहाँ थोड़ा बहुत कभी 5% मिस्टेक हो गया था, नहीं नहीं, ये बन चुका है, कंज्यूम किया, अमरत्व मिलेगा, या सारा जो भी बीमारी है सब ठीक हो जाएगा। दूसरा रूप है अत्यंत विशुद्ध, एकदम प्योर, बारीक, एकदम महीन, एकदम छुओगे तो उससे महीन दुनिया का कोई चीज़ ना हो, सफ़ेद पाउडर या चूर्ण, ठीक है? ओके, अब ये जो प्राचीन सफ़ेद पाउडर वाला रूप है ना, मैंने जो शास्त्रों में लिखा है, ये मॉडर्न समय में फिर से खोजा गया, ओके, ठीक है? इसको डेविड हर्डसन नाम का एक साधारण व्यक्ति था, वो गलती से पाया, okay. उसका हैबिट था कि कुछ 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 होता है ना, प्लस माइनस इधर उधर एक्सपेरिमेंट करते रहता था, ठीक है? तो वो कुछ साधारण प्रयोग कर रहा था, इनफैक्ट हम जैसा उसका पढ़े हैं, बहुत पहले का समय में आदमी लोग होता ना, सोना वगैरह खोजा करता था, मैंने यहाँ वहाँ खदान सबसे नदी में बहता हुआ रहता था, उससे हम लोग का सुवर्णरेखा नदी का कहानी भी वैसे ही है ना, कि सोना मिलता था, मिलता था, तो वैसे ही मैं साधारण आदमी था जिसको मैंने सोना जमा करना था, तो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर एक्सपेरिमेंट करते रहता था, है ना। अब इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट सब कर रहा था ना, सिंपल ये अपना कि क्या बोल रहे हैं उसको, आम इंसान होते हुए, है ना, तो उसमें कुछ ना खास हो गया। वो क्या हुआ कि एक बार कि प्लैटिनम धातु और जो बोलेंगे ना, मैंने उनका जो ग्रुप है प्लैटिनम जैसा धातु लोगों का, इरिडियम, रोडियम, प्लैटिनम, उस तरह का ढेर सारा कुछ कुछ ये सब है, उसको लेकर वो क्या किए कि एकदम चरम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में पिघला क्या बोले, जला दिए, ठीक है? और उनको महीन एकदम राख समान पाउडर में उसको एकदम घटक बना के घटा दिया, ठीक है? और जब ये चीज़ हुआ ना, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ उनको मिला, ये कि जो ये धातु को इस घटे रूप में जब वो तोले ना, तो उनके वजन में करीब 44% का कमी मिल गया। ओके ओके, एक मिनट, जो तो फिर वो जलने के बाद राख का वजन में तो कमी होगा ही ना, तो इसमें खास बात क्या है? हम बोल रहे हैं राख समान, ठीक है, राख नहीं। ओके, राख क्या चीज़ है? हवा में जो ऑक्सीजन है उसमें जब ईंधन जलता है ना, तब राख बनता है, ठीक है? मैंने तुमको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी में कार्बन केवल अकेले नहीं है, है ना, कुछ कुछ और केमिकल सब भी साथ में रहता है, तो कार्बन जब जलता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब देके गैस बन के निकल जाता है, बचा खुचा कुछ कुछ हाइड्रोजन सब है वो वाटर बनाता है, मैंने पानी बनाता है ना, H2O, ये दो चीज़ तो निकल आया, ठीक है, वाट मैंने ये वाष्प के रूप में और गैस के रूप में, तो जो चीज़ें उस तरह का गैस नहीं बनाती है ना जलने के बाद में, वो राख में बच जाता है और ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है? तो उनका तो वजन कम होता है, मगर यहाँ पर हडसन वैसा ऑक्सीजन में उसको नहीं जलाए थे, उसको ऑक्सीजन रहित यानी ऑक्सीजन का अभाव वाला वैक्यूम में उसको जलाए हाई टेम्परेचर में, और
तुम जो राग समझ रहा है तो वो तो साधारण आग का बात हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ एकदम हाई टेम्परेचर, ठीक है, और बिना ऑक्सीजन के तुमको ऑक्साइड नहीं मिलेगा, तो वो राख नहीं है, वो जो मटेरियल सब वो जला रहे हैं ना एकदम क्रिस्प पूरा एकदम हाई टेम्परेचर में जला ही दिए, ठीक है। ओके अच्छा, तो मतलब ये जो सोना या प्लेटिनम का टोटल केमिकल मास में कम नहीं हुआ? नहीं नहीं, और ऑक्साइड भी नहीं बनाया था? नहीं नहीं, हाँ देखो टेस्ट करने से तो पता चल जाता है ना, राख को टेस्ट करोगे तो क्या क्या केमिकल ऑक्साइड बनाया वो मिल जाएगा और कितना चीज़ उड़ के चले गया वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इनको जब वो टेस्ट किए तो उसमें अगर सोना है, प्लैटिनम है, रोडियम है, वो वही है, मगर वो किसी कुछ खास वैज्ञानिक कारण हो रहा है जिसके कारण वो लोग रिड्यूस हो गए हैं। मैं इंग्लिश का रिड्यूस बोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री का रिड्यूस मत समझ रहा, उसका मतलब होता है हाइड्रोजन मिला देना, ठीक है, वो घट गया है ना, और 44% एकदम स्पेसिफिक 44% वजन में कमी है, ठीक है। राख तुम जलाओगे तो अंदाजी कोई भी वजन निकलना चाहिए ना, वो स्पेसिफिक नहीं आएगा, ठीक है, मगर यहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ का बात हो रहा है। अब मज़ेदार बात क्या है कि ये सफ़ेद पाउडर जो है ना उसमें अकेले में केवल उसका वजन 44% घटा ऐसा नहीं है, वो जिस तराजू में नापा गया ना उस तराजू का भी वजन वो घटा दिया, प्रभाव मैंने उसके प्रभाव में वो भी चीज़ घट गया, ठीक है। अच्छा तो ये वजन जो घट रहा है वो घटने का कारण क्या है? ठीक है बता रहे, ठीक है उसको डिटेल से थोड़ा बताएंगे, पहले ये कि क्या क्या चीज़ है ना, और तुमको ये भी चीज़ बता देते हैं कि जो ये उस तरह का सफ़ेद पाउडर बन गया है ना उसके बाद में वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि केमिकल का जो मैंने कंपोजिशन है ना, अगर प्लैटिनम है तो वो प्लैटिनम ऑक्साइड नहीं बना रहा है, प्लैटिनम का प्लैटिनम ही रह गया, ठीक है। अब तुम बोला कि मैंने इसका कारण क्या है, ठीक है, तुमको उस समय हम बताया था कि शेप का ये प्लैटोनिक शेप के बारे में बताया था ना अभी कुछ समय पहले, प्लैटोनिक शेप, हाँ मैंने कोई भी चीज़ें उसका खास रंग रूप में ही स्थिर रहती हैं तो वैसा जब अरेंज रहता है ना तो दो एटम के बीच में जगह होता है, एटम खुद एक एकदम सूक्ष्म पार्टिकल है, ठीक है, उसका वो खुद अपना जगह नहीं ले रहा है। अब क्वांटम फिजिक्स का ही ये चीज़ है, मतलब मैंने ऐसा इसका रिजल्ट सब ऐसा ऐसा चीज़ सब है कि वो समझ में भी आएगा लेकिन नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो वो जब उस शेप में अरेंज रहता है ना तो एक स्पेसिफिक वजन लेके रहता है, अगर तुम उसको किसी तरह उस शेप से हटा दो तो हो सकता है वजन घट जाए, तो हम लोग अभी आ रहे हैं, ठीक है, कि तुम पूछा ना कारण, ठीक है, ये रिजल्ट को वो जानने के लिए जो डेविड हडसन थे ना वो क्या किए कि वो जिस राज्य में रहता था ना टेक्सस, तो ऑस्टिन टेक्सस का जो भौतिकी अनुसंधान केंद्र जहाँ फिजिसिस्ट लोग काम कर रहे हैं ना रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ पर कोई एक फिजिसिस्ट था, उसका थ्योरी वो अपना एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसको कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, क्योंकि वो जो फिजिसिस्ट थे ना उन्होंने अपने गणित पे क्या साबित किया था कि अगर अतिचालक जिसको सुपर कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है, प्लैटिनम ग्रुप का जो केमिकल सब है ना ये तत्व सब है ये सब अतिचालक जैसा बिहेव करता है, ठीक है, अतिचालक बोल सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ कि हम लोग का बिजली का तार सब क्या कर रहता है, कॉपर का रहता है, ये क्या बोलता है एल्यूमिनियम का रहता है, ऐसा रहता है ना, अगर वो सोना और ये सब का रहे ना तो उसमें जो करंट दौड़ने का जो गति है ना वो और जल्दी मैंने क्विक हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसको अतिचालक बोलते हैं, मैंने उसमें चालक होने का जो गुण है, हाँ क्षमता बढ़ जाता है, ठीक है, तो उस तरह का धातु को जब लेकर हम लोग तीन आयाम में रहते हैं तो वो धातु सब भी तो तीन आयाम में है ना, तुम ऐसा छू सकते हो ना उसको, मगर उसको किसी तरह वो मैथमेटिक्स से प्रूव कर रहे हैं, किसी तरह अगर उसको सिर्फ दो आयाम में ऐसा सीमित कर दिया जाए ना लेके तो क्या होगा कि उनका जो वजन है ना धातु का वो 44% घट जाएगा, ठीक है। अब जब वो हडसन के बारे में सुने ना कि ऐसा मटेरियल वो खोज के निकाल दिए हैं तो उनका दिमाग घूम गया, ठीक है, कि मैंने वाकई कोई एक आदमी ऐसा चीज़ खोज लिया जो हम थ्योरी में पेपर में लिखे थे, ठीक है। तो उसमें अभी जैसे उसका तुमको हम डिटेल समझाते हैं ना कि कैसे ये हो रहा है, दो आयामी रूप में बोल रहा हूँ ना, तो हडसन का एक्सपेरिमेंट में प्लैटिनम के साथ साथ वो ना क्या किए थे कि गोल्ड को भी यूज़ किए थे, ठीक है, तो ये जो दो आयामी रूप है ना उसको बोलता है मोनो एटॉमिक रूप। अब क्यों वैसा बोलता है हम तुमको थोड़ा डिटेल बता रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक अपना एक चीज़ जिस पे ज़्यादा जब
मैंने चूंकि उनका मेन गोल क्या था, गोल्ड के बारे में सब चीज खोज पड़ताल कर रहे थे ना, तो गलती से हुआ ना, तो वो मोनोएटमिक गोल्ड जो सफेद पाउडर उनको मिला ना, वो मैंने उनका जो थ्योरी फिजिसिस्ट का उसको प्रूव कर रहा है। जब वो तीन आयाम में सजा हुआ है प्लेटोनिक शेप में है ना, उसमें ऊंचाई चौड़ाई लंबाई है, तो वो कुछ रूप रखा हुआ है, सारे उसके जो अणु सब है एटम सब है वो एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं इसलिए उस शेप में है। मगर जब ऐसा रिड्यूस हो गए ना, तो उसका एक एक पार्टिकल जो है वो एकदम झाड़ के अलग हो गया। ये प्रैक्टिकली और नेचुरली संभव नहीं है, क्योंकि शुरुआत से मैंने केमिकल में क्या एक चैप्टर एक टेबल पढ़ते हैं है ना, सबसे साधारण केमिकल से सबसे कॉम्प्लेक्स केमिकल की तरफ। सबसे साधारण हाइड्रोजन है ना, उसके से एकदम कॉम्प्लेक्स तरफ जाओगे तो यूरेनियम और ये सब प्लूटोनियम ये सब आने लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका वजन बढ़ते जाता है ना, उनका शेप साइज बढ़ते जाता है, एक दूसरे को पकड़ के रखने का उनका क्षमता बढ़ते जाता है। लोहा लोहा जैसा पत्थर जैसा नॉट पत्थर जैसा मैंने धातु एकदम सॉलिड क्यों रहता है, उसका एक एक जो लोहा का अणु है ना एकदम एक दूसरे के साथ खींच के रखे हैं, तो उनको तोड़ना इतना ईजी संभव नहीं है। जब तुम उसको पिघलाते भी हो ना, तब भी उसमें कुछ ना कुछ जोड़ रहता है। इनको अगर तोड़ दोगे ना, अगर किसी तरह तुम उसको वाष्पित करके उड़ा दो ना, तो वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सॉलिड रूप में जब वो एक एक हो गया ना, वैसा कुछ यहाँ हो जा रहा है। इसीलिए उसको बोल रहा है मोनो एटॉमिक गोल्ड, ठीक है। तो मैंने जो ये गोल्ड मोनोएटमिक गोल्ड जो वो पाए ना हडसन, वो क्या उसमें उनको रिसर्च में मिला कि गोल्ड एटम के बीच का जो उसका जो अणु सब है ना एटम सब, उनके बीच में जो बॉन्डिंग मैंने आणविक आकर्षण जो है ना, वो किसी कारणवश एकदम गायब हो चुका था। वो गोल्ड का ही अणु है, वो अपना रूप नहीं बदला, लेकिन एक एक सिंगल सिंगल अलग होकर झाड़ के एक ढेर बन गया, ठीक है। तो वो जो ढेर ही था ना, वही बारीक सफेद पाउडर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हडसन ने मॉडर्न साइंस अल्केमी को सच्चा साबित कर दिया, पर वो जिस टेम्परेचर की बात करे, वो उस टेम्परेचर तक कैसे पहुंचे? थोड़ा सोचने का बात है ना, हम तुमको उसका ये बताते हैं। मॉलिकुलर बॉन्डिंग का जब हम तुमको बात बोल रहे हैं ना, तो मैंने हम लोग आग और ये सब जैसे हम तुमको एग्जांपल देते हैं राख का, आग का टेम्परेचर उतना हाई नहीं रहता जो माचिस तुम छोर किया है ना, पिघलाने के लिए भी हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं, मगर ये उसका टेम्परेचर कभी ये नहीं कर रहा है ना, वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ किए थे। तो उसका कहानी अगर हम तुमको थोड़ा बताएं ना, तब तुमको थोड़ा डिटेल से पता चलेगा कि वो क्या कर रहे थे, ठीक है। वो अल्केमी का शास्त्र वगैरह सब पढ़ने लगे, क्योंकि क्या हुआ कि उनको ना ठीक से कोई नहीं बता रहा था कि क्या हो रहा है ना, वो हाई टेम्परेचर यूज़ तो कर लिए थे लेकिन उनको डिटेल से कोई नहीं बता रहा था। तो अल्केमी का शास्त्र में क्या बोला गया था कि जो क्या बोलेंगे उसको, पारस पत्थर जो बोल रहा है ना, जो बना रहा है अल्केमी का फल, अगर तुम सही तरीके से अल्केमी करने के लिए जो उसका जो मेथड है ना, प्रोसेस है ना, अपनाओगे है ना, हाई टेम्परेचर करोगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैंने उसमें उस चीज़ के ऊपर जोर था कि हाई टेम्परेचर ज़रूरी है, एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर ज़रूरी है, और कुछ खास तरीके से उसको रखना है, सजाना है, ठीक है। ये सब करने के बाद में जो तुमको रिजल्ट मिलेगा वो एक सफ़ेद पाउडर होगा। जब उनको उधर से सही जवाब नहीं मिला, तो वो अपना अल्केमी का किताब सब शास्त्र सब पढ़ने लगे, तब उनको दिखाई दिया कि अल्केमी का किताब में मध्यकाल का साइंटिस्ट लोग इस चीज़ का बात कर रहा है जो उनके साथ गलती से हुआ, ठीक है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर का जब वो बात हुआ ना, तब उनका दिमाग भी खटका, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, तुम अभी बोला ना कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के लोग क्या किए थे, उनका एक्सट्रीम टेम्परेचर करने का जो ये तरीका था वो इलेक्ट्रिकल मशीनरी द्वारा संभव हुआ। मैंने इलेक्ट्रिक का जो प्लेट सब है ना, उसके बीच में उसको रख के एकदम हाई, उनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है ना, और मैंने जो एकदम इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन सब है विद्युत कण का, वो इतना हाई किया कि उसका जो वो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर में चढ़ जाता है। तो उसमें वो सोना सिर्फ पिघल नहीं रहा है एकदम, वो पिघल के वाष्पित भी नहीं हो पा रहा है। वो पिघलना और वाष्पित होने के पहले ही वो टुकड़े टुकड़े में मैंने अपना बॉन्डिंग छोड़ दे रहा है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन का ये में जो वो अल्केमी शास्त्र से पाए, ठीक है। अब तुमको हम थोड़ा
वापस जो तुम्हारा कहानी हम लोग जहाँ से शुरू किया था उसमें तुमको ले जा रहे, ठीक है? तुम थोड़ा रिपीट करो तो कि मूसा सोने का बछड़े के साथ क्या किया? उसको पिघलाया था, फिर चूर किया और पानी में मिला के सबको पिलाया था। पर एक मिनट, वो पिघलाया जलाया तो नहीं, लिखाया। रीज़न है कि यहूदी भाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है? तुम उसको जलाना पिघलाना जैसा जरूरी हो ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, तो मतलब एक अर्थ से, मतलब एक शब्द से और सभी अर्थ बन सकते हैं। देखो, हम लोग अपना जब बाइबल सब पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग को लगता है कि जैसा लिखा है मूल जो स्रोत है यहूदी है ना भाषा, उसमें भी वैसे ही लिखा होगा, ठीक है? ऐसा नहीं, उनकी जो लिपि है ना उसमें स्वर नहीं है। ओके, कहने का अर्थ कि उसमें आ आई ऊ जो है ना हम लोग जो लिखते हैं वो नहीं है, आ है, लेकिन उसका जो नियम है वो कुछ अलग है। शब्दों का मैंने व्यंजन जो बोलेंगे ना काखा गाघा, उसके बीच में अगर कोई स्वर है ना वो नहीं लिखा जा सकता यहूदी में। ओके, तो कोई भी शब्द जो उनका है वो त्रिधातु रूप में मौजूद रहता है। तो त्रिधातु रूप में मौजूद रहता है मतलब तुम हम अभी मेरे दिमाग में एग्जैक्टली उसका वर्ड सब एक तो वर्ड है लेकिन उसका एग्जांपल हम थोड़ा बाद में देते हैं। पहले हम तुमको बताते हैं कि उससे जुड़ा हुआ एक भाषा है अरबी भाषा। अरबी भाषा यहूदी भाषा से जुड़ा हुआ, उसका एक तरह से देखा जाए तो उसका चचेरा भाई है। अच्छा, एक ही घराना का लैंग्वेज है वो सर? हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या एशियाटिक क्या लैंग्वेज, अच्छा वो बाद में डिस्कस करेंगे, जब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो हम बताएंगे। ये जानो कि उन सब भाषाओं में जो शब्द बनने का जो नियम है ना त्रिधातुय रूप में होता है। कहने का अर्थ कि जो व्यंजन है कखा गगा वो तीन एक साथ जमा होते हैं, वही शब्द का आधार बनते हैं। तो उसके बीच में स्वर जब इधर उधर चेंज होता है ना, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है? तो पिघलाना और जलाना एक तरह से एक ही चीज़ों का ये है ना, क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे घटक है, तापमान यूज हो रहा है, ठीक है? तापमान यहाँ केंद्र मानो। ओके, हाँ, शब्द क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तापमान में जो परिवर्तन होगा उसको डिनोट करने के लिए अगर कोई वर्ड होगा, ठीक है, तो उसके बीच में अगर मैं स्वर डालूंगा ना तो वो उस हिसाब से अपना मीनिंग निकाल के दे देगा। तो मूल में वैसा लिखा, तो मैं अरबी एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि जो हम लोग को सुनने वाले हैं उनको एक एग्जाम्पल सुना सकूं। किताब शब्द जो है अरबी शब्द से आता है, ठीक है? हम लोग जो यूज़ करते हैं ना किताब, हम लोग किताब बोलने से सोचते हैं कि जैसा तैसा वैसे ही वर्ड आया होगा। तो ये किताब हिंदी वर्ड नहीं है? नहीं, वो अरबी फारसी से मैंने हिंदी में है और फारसी से अरबी में आया है, ठीक है? जब वो किताब बोल रहे हैं ना तो उसका जो त्रिधातुय रूप है वो है कतब। ओके, अब उसमें ई और आ है तो किताब है, यानी कि पोथा जिसमें लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? अगर मैं उसमें से ई हटा दूं और आ हटा दूं, उसमें मैं दो ऊ डाल दूं तो क्या होगा? कताबा है तो कुतुब होगा। कुतुब का मतलब वो होता है कि जो इतिहास लिखता है। उसी रूट में कताबा में ही इस चीज का जो आइडिया है ना वो छुपा हुआ है। देखो मल्टी लेयर मीनिंग, मैं बोला था ना कि भाषाएं कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके लेखों में ही उस तरह का नियम चल रहा है, ठीक है? उसके बाद में किताब हुआ, कुतुब हुआ। अगर मैं ई और आ का चेंज कर दूं, कतीब कर दूं, तो जो जलसाज जिसको बोलता है ना फारसी में बुक बाइंड करने वाला, अरबी में उसको कतीब बोलते हैं, जो पन्नों को जमा करता है। इसी तरह और थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो यहूदी धर्म सॉरी नॉट यहूदी भाषा में भी उनका ओरिजिनल जो हम लोग जो बुक पढ़ रहे हैं ना बाइबिल के नाम पे, वो उस तरह से लिखा हुआ है। उसमें मीनिंग नहीं है, वर्ड में मीनिंग नहीं है, वो मीनिंग पढ़ते समय निकाला जाता है। ओके, ठीक है? तो हम लोग अगर पढ़ रहे हैं पिघलाया, तो वो बाद में जो ट्रांसलेशन गलती किया होगा वो किया है। मतलब बाइबल में भी कुछ कुछ गड़बड़ी हुई है, ट्रांसलेशन में बहुत गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो ओल्ड सोर्स मटेरियल है उसमें जो वर्ड लिखा हुआ है वो केवल उसका कोड है। ओके, तो जैसा प्रोनाउंसिएशन चला आ रहा है ना याजुंगों के बीच में, उसको एक मैंने उनका एक जो प्रथा है ना उसको मेजोरेटिक प्रथा बोलता है। उसके ऊपर हम जब उसके ऊपर बुक के ऊपर डिस्कस करेंगे ना बाइबल के इतिहास के ऊपर में, तब हम तुमको बताएंगे कि क्या क्या कांड सब हुआ है उस चक्कर में। ओके, ठीक है? क्या बोलते हैं, क्या तो उसको बोलता है, रुको, है ना, मेजोरिटी में क्या होता है कि
जैसे अरबी में भी डॉट लगाता है ना वो लोग, वही डॉट जो लगा रहा है ना वही आ आई ऊ है उनका, एक डॉट केवल, कोई भी किस कहीं भी यहाँ डॉट वहाँ डॉट थोड़ा डंडा है सब वो सब, उसको वो लोग पॉज सब बोलता है, ठीक है। मैंने तो वो ना डिपेंड करता है कि तुम किस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहते हो। तो मेजोरिटिक क्या है कि वो कोड बनाए थे वो लोग कि जो उनका धर्म ग्रंथ है ना तोरा, उसको किस तरह से समझा जाए। तो अपना समझ अनुसार हम लोग मॉडर्न से केमिकल ये मैंने मॉडर्न साइंस से बोल रहे हैं कि एकदम वाश भी नहीं करो उसको जला देना, ऐसा चीज पुराना आदमी तो इमेजिन नहीं कर सकता ना, वो तो केवल मेटल पिघलना जानता है। तो उस शब्द को उस तरह से वो लोग उसको डिफाइन करके लिखे और वो हमारे ट्रांसलेशन में आता है पिघलाया, ठीक है। तो मेन बात यह है कि चरम तापमान का बात हो रहा है, ठीक है। चरम तापमान यूज किया मूसा, उसको पाउडर रूप बदला है ना, और फिर खिला दिया। ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो अगर मान के चलो, अगर हम चलो यहाँ अल्केमी का चीज नहीं कर तुमको बताते बैकग्राउंड में, सोना ही चूरा करके तुमको खाने के लिए देते तो तुम खा लेते? नहीं, 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 वो भी तो एक मेटल मेटल ही रहेगा करने से सिंपल, तो खाने से कैसा लगेगा? खाया नहीं जा सकता है। हाँ, है ना। हाँ। तो लेकिन अगर वो ट्रांसम्यूटेटेड मोनो एटॉमिक गोल्ड का सफेद पाउडर का रूप हो तो खाया जा सकता है। देखो सोना को चूरा किया तो उसमें फिर भी गुण जो है वो सोना ही है, क्योंकि उसका बॉन्ड सब उसमें अभी भी रहेगा। अगर चूरा करके भी तुम रेत कण उतना छोटा कर दो ना, उसके अंदर में भी लाखों एटम होंगे। लेकिन ये मोनो एटॉमिक गोल्ड क्या है, एक एक अणु ही अलग हो गया है, ठीक है। अब हम ये चैप्टर का एग्जाम्पल तुमको क्यों बताएं, ठीक है। बाइबल में यहूदियों का जीवन का जो महत्वपूर्ण समय का डिस्क्रिप्शन है ना, एक्सोडस, ठीक है। पर यहाँ धर्म के बीच बीच क्या है, अल्केमी का ना सिर्फ सिद्धांत का बात हो रहा है, ना उसका प्रयोग का बात हो रहा है, बल्कि उसका फल का भी चर्चा हो रहा है। ना सिर्फ उसको बना रहे हैं, ना उसका प्रोसेस का डिस्कशन केवल कर रहे हैं, उसको खा भी रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब देखो कि वो पिघला के या जला के जो पाउडर बनाने तक तो ठीक था, खिलाया भी क्यों खिलाया? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, आखिर खिलाया तो क्यों? अब याद करो कि पारसमणि का जो लिक्विड फॉर्म है उसका एक खास गुण था, क्या था? बीमारी को ठीक करना, उम्र लंबा करना, ठीक है। तो हम ये सब चीज अभी क्यों बताएं? निर्गमन का अध्याय में जो ये घटना हुआ था ना, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये शुरुआत से अंत तक जो है ना अल्केमी का तंत्र मंत्र है। अब ये इतना आश्चर्यजनक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुनने वाले लोग बोलेंगे कि कहाँ से कहाँ जुड़ गया, मगर उसी बाइबिल में से हम तुमको पूछ रहे हैं कि इतना आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मूसा कहाँ पला बढ़ा था? मिस्र, ठीक है। पला बढ़ा ही नहीं, शिक्षण भी उसका हुआ राजघराने में, है ना। उसको कौन पाला था? राजकुमारी। तो वो सिंपल आदमी था? नहीं, नराधुरा बता देता है आदमी, सो आदमी इमेजिन करता है नराधुरा, ऐसा थोड़ी है। मूसा एक राजकुमार के रूप में पला बढ़ा है, ठीक है। और अल्केमी का स्रोत कहाँ है? मिस्र से। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग बाइबिल में क्यों अल्केमी पढ़ रहे हैं? ओके, ये धर्म कम विज्ञान ज्यादा है। यस, वो भी अल्केमी। यप, अभी खत्म नहीं हुआ है, हम तुमको अभी और बता रहे हैं, ठीक है। मूसा यहूदी लोगों को फालतू में रेगिस्तान में नहीं भटका रहा था। निर्गमन में क्या है, 40 साल वो लोग रेगिस्तान में भटक रहे थे, तो 40 साल वो केवल भटका नहीं रहा था वो लोग को, ठीक है। इसमें धर्म और विश्वासी लोग का परीक्षा हो रहा था, ऐसा कोई बात ही नहीं है। निर्गमन का जो 40 साल का जो इतिहास हुआ ना, उसमें मूसा यहूदी समाज को एक स्पेसिफिक जगह सब में घुमाया था। अभी हम तुमको क्या बताएं, सिनाई केवल एक पहाड़ का नाम नहीं था, वो पूरा का पूरा प्रायद्वीप का नाम है, ठीक है। तो वो खास खास जगह जो घुमा रहा था ना, आम जो समाज के जो यहूदी लोग थे ना, हम लोग के जैसे ये लोग साधारण जीवन जीने वाले लोग, उनको पता ही नहीं है, वो लोग तो बस भटक रहे हैं अपने ये में। मगर जो लीडरशिप है ना, जिसको हम लोग कैरेक्टर के रूप में मूसा के रूप में जानते हैं, वो उनको स्पेसिफिक जगह में घुमा रहा था। तो ये जो सिनाय प्रायद्वीप है ना, इसमें एक स्पेसिफिक जहाँ था, जहाँ एक मिस्री मंदिर था, मैंने मिस्र समाज का एक मंदिर था, पुराना बहुत प्राचीन मंदिर। और उस मंदिर में मिस्री अल्केमिस्ट लोग जो थे ना, यानी इस विज्ञान का पालन करने वाले लोग, मैं क्या बोला, धर्म और विज्ञान एक साथ मानते थे ना, तो वो उसका पालन करने वाले लोग इसी सफ़ेद पाउडर पे अध्ययन ही कर रहे थे, और ना सिर्फ अध्ययन कर रहे थे, उसका प्रोडक्शन भी कर रहे थे। ओके, अब उस पाउडर का मिस्री नाम है, ठीक है, उसको प्रोनाउंसिएशन करना बड़ा टफ है, वो भी यहूदी भाषा जैसा ही
मैंने उसमें ये नहीं है, स्वर नहीं है ना, माफ़ ऐसा समथिंग कुछ है, माफ़ जख्त ऐसा, उसका अगर ट्रांसलेशन होगा ना तो वो हो जाता है सफ़ेद मन्ना। अच्छा, वही जिसके बारे में बाइबल में जिक्र है कि ईश्वर मन्ना भेजता है, ऊपर से गिरता है ना। अब वो ईश्वर भेजता है कि नहीं भेजता है इसके ऊपर तो वही समझे, ठीक है, तुमको हम कांड सब बताएंगे, बट इतना जान लो कि उसका सोर्स जो है वो भौतिक दुनिया में है। ओके, अब इसी सिनाई जो प्रायद्वीप है ना, मूसा को यही दर्शन मिला है वैसा लिखा है, ठीक है। अब इन 40 सालों में बहुत सारा कांड सब हुआ है, उनको इसका डिस्कशन ही अलग करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन तुमको बताएंगे, क्योंकि हम जैसा समझ रहे हैं ना कि खाली धर्म है, नहीं नहीं नहीं, अभी वापस आते हैं बाइबल का असल अध्ययन जो है वो अल्केमिकल है, ठीक है, उस बात पे। ओके, मगर आंखें होंगे तो ही दिखेगा। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, बहुआयामी भाषा, ठीक है, तुमको धर्म से पढ़ना है तो पढ़ो, हम तुमको नहीं बोल रहे कि तुम गलत कर रहे हो, मगर हम तुमको ये भी नहीं बोलेंगे कि तुम सही चीज़ कर रहे हो। ओके, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए लिखा गया है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मूसा को ये पाउडर खिलाने का धार्मिक रीजन क्या दिया है कि ये अधर्मी लोगों को पहचानने के लिए किया गया था, है ना, जो खा के जीवित रहा वो विश्वासी था, उसी से लेवी वंश लोग आया, ठीक है, जो लोग बाद में याजक लोग बना यानी पुजारी लोग, है ना, और जो मर गया वो लोग अविश्वासी लोग था इसलिए मर गया, ठीक है। पर यहाँ अविश्वास और विश्वास का कोई बात ही कहाँ हो रहा है, ठीक है। okay. इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि बाइबल में इतना बड़े पैमाने पे कांट छांट हुआ है, उसको दोबारा लिख के एडिट किया है, ठीक है, और मैंने उसमें क्या क्या चीज़ डिलीट किया है, अगर इसके ऊपर डिस्कस करने लगे ना तो 4-5 बाइबल ही बन जाए। ओके, तुमको पूरा साल लग जाए, ठीक है। तो उसमें जो वैसा इस तरह का लिखा जा रहा है उसके पीछे क्या कुछ पॉलिटिकल रीज़न चेंज होने का है? तुमको हम अभी बताएं ना कि आदमी को लगता है कि एक ही इतिहास है, बाहर और भी इतिहास है। ये जो चीज़ें हो रही थी ना, घटनाएं जो बहुत सारे बाइबल में जो घटनाएं हैं ना, उनके पीछे सोशियो पॉलिटिकल रीज़न सब रहा है उस समय का, और वो सिर्फ बाइबल में हो रहा है ऐसा नहीं है, बाहर का इतिहास जो उनके साथ साथ और समाज जो जीवित है ना, उन लोगों का इतिहास जब खुदा और तुम उसको सुनोगे तो पाओगे कि मूसा ने ये कर्मकांड जो किया ना वो एक तरह का धार्मिक ढोंग था, दिखावा। उसने पाउडर पानी में क्यों मिलाया, पानी में मिला देने से उसका जो परोक्ष रूप है ना जो दिख सकता है ये छुप गया। ओके, सबको पिलाया ना, तो सबको पिलाना है, अभी हम क्या बोले पॉलिटिकल रीजन है। ओके, कुछ लोगों को शायद वो पानी ही पिला दिया, ठीक है। अब बाइबल इस बात को हमेशा धर्म छुपाता है ये बोल के कि अधर्मी लोग थे उनको दंड मिला मर गए, है ना, पर असल कारण जो कारण है वो पॉलिटिकल, तुम अभी पूछा ना तो पॉलिटिकल है, क्योंकि बाहर का इतिहास से जब हम कंपैरिजन में, और कंपैरिजन तो छोड़ दो, कुछ कुछ तो ऐसा जगह सब है जहाँ पर जो मिसिंग, कभी कभी पढ़ते पढ़ते तुमको नहीं लगता है मिसिंग है कुछ पार्ट, वो साइड में दूसरा समाज का जो उसका असली खुदा इतिहास लेके पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा कि क्या कांड हुआ था, ठीक है। तो ये बाहर से देखने से ये पता चलता है कि मूसा का जो विरोधी लोग था ना समाज में, जो लोग अल्केमी ज्ञान का संरक्षक लोग था, ठीक है। ओके, ये लोग मिस्र से निकल के आए ना, आदमी सोचता है नरादुरा समाज उठ के आ रहा था, वो लोग दबे कुचले है ना, एकदम गुलाम में थे, ऐसा थोड़ी था। वहाँ का इतिहास से भी कंपेयर करोगे मिस्र का इतिहास से और उनका अपना और कनान के साथ में भी, तब तुमको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ हुआ है। ये लोग इतना तो लिखा है ना कि ये लोग उनमें ब्याह लिए थे, उनके साथ लोग आ रहे थे, तो अब ये सुनो कि उनमें संभ्रांत वर्ग भी था यानी अमीर वर्ग भी, जो पढ़े लिखे जिनको बोला जाएगा ना। तो मूसा केवल अकेले एक लीडर था ऐसा नहीं है, हम चूँकि बाइबल में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, उसका सपोर्ट करने वाले जो लिखे हैं हम सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो उसके विरोधी भी तो थे, विरोधी से मेरा कहने का मतलब है कि चूँकि वो राजकुमार था, अल्केमी ज्ञान का ज्ञाता था, उसके जैसे और भी लोग थे, ये सब मिस्र से आ रहे हैं जो अल्केमी ज्ञान रखते हैं, तो समाज का लीडरशिप तो फिर कोई भी ले सकता है ना, तो ये लीडरशिप छीनने के लिए एक तख्ता पलट था। ओके, तो ये जो उस तरह का ज्ञान रखने वाले लोग थे ना, अब मूसा क्या किया कि पानी में मिलाया ना, तो सिर्फ अपना सपोर्टर लोग को पिलाया। Okay. जो उसके विरोधी, जिनको वो विरोधी, मैंने विरोधी शब्द में यूज़ करा तो मैंने बोला कि मन के बुरे लोग थे,
वो उसके विरोध में थे, मूसा का जो हरकत सब है, ठीक है। तो उनको वो पाउडर नहीं खिलाया, जिनको जो सपोर्टर है उनका तो जान बच रहा है, ठीक है। अब जिनको नहीं खिलाया वो लोग मर गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बाद में महामारी आया। वो लिखा है बाइबल में, लिखा है कि महामारी से मर गए। तो इसमें विश्वास और अविश्वास का कोई दुख है, कोई बात है? नहीं नहीं, क्योंकि पाउडर का गुण क्या था? बीमारी से स्वस्थ करेगा और अमर करेगा, ठीक है। अमर शब्द ना यूज करके अगर हम बोले लंबा जीवन देगा, तो जो जो लोग खाया है वो लोग बच गया बीमारी आया तब भी। जिनको नहीं खिलाया गया उनका क्या दोष है उसमें? उनका अविश्वास का कोई दोष है? कुछ नहीं है। पॉलिटिकली नहीं खिलाया तो खत्म, ठीक है। ओके, अच्छा पॉलिटिक्स ऐसा भी है? ये तो सिंपल सा पॉलिटिक्स है, वो भी बाइबल के अंदर। पॉलिटिक्स का ठीक है, तुमको इंटरेस्ट अगर है तो इसके तुरंत बाद में, मतलब ये डिस्कशन सब हम लोग का हो जाए ना, तो उसके ऊपर ही नेक्स्ट फिर जाते हैं कि कैसे है वो सब चीज़ें, ठीक है। ओके, अच्छा जो हडसन जो पाउडर बनाए थे वो उन्होंने खुद खाकर देखा था क्या? बिल्कुल किया था। देखो हडसन ने जब पाया ना कि इस पाउडर का सेवन किया जा सकता है, अल्केमी का शास्त्र सब वो अध्ययन किया ना, जब उनको उधर मॉडर्न फिजिक्स से ज़्यादा हेल्प नहीं मिला तो अब बनाए हैं तो ऑब्वियसली चखेंगे भी। तो उनके तुरंत बाद क्या एक अद्भुत चीज़ उत्पन्न हुआ कि एकदम जो बोलता है ना एकदम शिथिल शांति, तो वो जैसे ही उसको कंज्यूम किए उनके अंदर एक अजीब किस्म का शांति व्याप्त हो गया, ठीक है। माने लेजीनेस नहीं बोलेंगे, एकदम शांति, जो धार्मिक लोग ढोंग करते हैं ना कि शांति शांति, मगर वो उनको फिजिकली मिल गया इस पाउडर का सेवन से, ठीक है। उनका मन एकाग्र हो गया। हम लोगों के मन में एक समय में कितना सारा विचार इधर उधर कूद फांद मचाते रहता है ना, हम लोगों को डांटा जाता है एकदम ध्यान फोकस किधर है, फोकस करो, बोलने से थोड़ी हो जाएगा, हम लोग का दिमाग जैसा चाहेगा वैसे ही करेगा ना। मगर उसका सेवन करने से वो चीज़ें हो रही थी, उनका जो एक एक विचार है ना एक एक एकदम साफ सुथरा अलग अलग रूप में उनको दिखने लगा, ठीक है। दिमाग चुस्त जिसको बोलेंगे ना, फास्ट क्विक थिंकिंग क्विक रिस्पॉन्स, वैसा हो गया, ठीक है। फोकस एकदम स्ट्रांग केंद्रित। और वो क्या किए कि जब ऐसा चीज़ हुआ तो ऑब्वियस का बात है कि किसी को भी जानने की इच्छा होगा, वो रिसर्च करवाने लगे। उनको उधर से हेल्प नहीं मिला तो जो जो साइंटिस्ट लोग उनका हेल्प करने के लिए रेडी थे ना उनका मदद लेके वो रिसर्च करने लगे, ठीक है। तो रिसर्च करके क्या पता चला कि चूंकि मोनोएटॉमिक क्या है, एक एक सिंगल अणु वाला गोल्ड है ना, तो वो ये देखे कि जब कंज्यूम कर रहे हो तो वो तुम्हारा एकदम शरीर का कण कण में उतर रहा है, और चूंकि वो एक सिंगल एटम है ना, वो तुम्हारा जो मूल आधार है ना, माने मनुष्य का जीवन का मूल आधार डीएनए तक उतर आ रहा है। और वो क्या कर रहा है वहां पर जाके, डीएनए में दोष रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल सकते हो कि डीएनए का दोष रिपेयर, क्योंकि डीएनए में जब दोष होता है ना मनुष्य उसी से बीमार होता है, उसी से कैंसर होता है। इनफैक्ट जो बुढ़ापा है वो डीएनए में जो दोष उत्पन्न हुआ ना उसी के कारण बुढ़ापा आता है। कैसे होता है मैं तुमको बता रहा हूँ। डीएनए क्या करवाता है, तुमको जीवित रहने के लिए क्या क्या केमिकल शरीर में बनाना है वो जानकारी रखता है। तुम कैसा दिख रहे हो, कैसे बढ़े, कितना हड्डी का वजन तुम्हारा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानकारी उसमें रहती हैं, ठीक है, जन्म के पहले से ही। अब तुम देखते हो ना कि हम लोग नहाते हैं तो हम लोग का चमड़ा सब झड़ता है, है ना, रूसी जिसको होता है ऊपर सिर से झड़ता है, सूखा चमड़ा झड़ रहा है, तो वो क्या है, मरता हुआ कोशिका सब है हम लोगों का, हम लोग कोशिका से बने ना सेल, तो सेल के अंदर जो डीएनए है ना वो उसको डिवाइड करने में हेल्प करता है। हम लोग को जो घाव लगता है तो भरता है ना, वहाँ सेल डिवाइड हो रहा है इसलिए वो भर रहा है। ओके, तो डिवाइड करने के लिए जब डीएनए को पढ़ता है ना, ऐसा मशीन जैसा दौड़ता है, तो एंड में एक जगह आता है जिसको बोलते हैं टेलोमियर। ये थोड़ा साइंटिफिक जा रहा हूँ लेकिन जानना जरूरी है। तो वो टेलोमियर ना हर विभाजन के बाद छोटा होते जाता है, और जब एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है कि उससे छोटा और नहीं हो सकता ना, तो सेल डिवाइड होना छोड़ देते हैं, तब आदमी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, फिर कोशिका निर्माण बंद हो जाता है। हाँ, उसके बाद शरीर में कोशिका निर्माण बंद हो जाता है, वो बस जीवित रहेगा। इसीलिए बुढ़ापे में जो लोग पहुंच जाते हैं उनका मांस माने मसल मांसपेशी घटने लगता है ना, जीवित रहने के लिए एकदम हेल्दी रहने के लिए मांसपेशी बनना जरूरी है, मगर अगर वो उसका क्षमता ही खत्म हो चुका है तो फिर तो नहीं बनेगा, ठीक है, इसीलिए लोग खत्म हो जाते हैं। तो वो उस स्तर में जाके उसी दोष को ही रिपेयर कर रहा है। ओके, वो मोनोएटॉमिक गोल्ड, ठीक है। और केवल ये सब दोष रिपेयर सभी नहीं कर रहा, वो दिमाग में जाके क्या कर रहा है जानते हो,
हम लोगों का दिमाग में हम लोग सोच कैसे रहे हैं, हम लोगों का दिमाग का जो कोशिका सब है ना वो केमिकल का बैलेंस इम्बैलेंस से इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इसीलिए हम लोग इतना क्विक थॉट रखते हैं बिजली समान, क्योंकि लिटरली बिजली ही दौड़ रहा है ना, बायोलॉजिकल बिजली। तो वो सिनेप्सिस में बिजली का तरंग ऐसे चट चट ऐसा इधर उधर होते रहता है, ठीक है। तो लेकिन चूंकि हम लोग तो ऐसा मेटल जैसा नहीं ना है, तो ये मोनोएटमिक गोल्ड क्या कर रहा है कि वहां जाके ना वहां अतिचालक व्यवहार ये कर रहा है। ओके, तुम भी देखे हो ना कि कंप्यूटर सब उसमें क्या, उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम नहीं लगा हुआ है, एकदम जो उसका चिप सब है ना उसमें गोल्ड रहता है, इसीलिए उतना फास्ट। हम लोग भी तो बायोलॉजिकल ये है ना कंप्यूटर, तो जब हमारे में भी गोल्ड डाल देंगे तो क्या होगा, हम लोग भी एकदम एकदम क्विक रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सारा जो ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ का रिसर्च सब वो सब कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनको मिली। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, मेडिकल साइंस में इसको यूज़ किया जा सकता है। हम तुम्हारा भाव समझ सकते हैं है ना, लेकिन जैसे तुमको उस समय बताए थे ना कि मैक्सवेल का इक्वेशन से भी क्या चीज़ हो सकता था, और तो यहाँ भी वही है, दमन का इतिहास तुमको हम बताते हैं, ठीक है, क्या क्या कांड सब बायोलॉजी में भी हुआ है। मॉडर्न हडसन का जो ये हुआ ना कांड, उसके बाद उसको बता रहे हैं। वो जब ये पाउडर, जब उनको ये रियलाइज़ हो गया ना कि सही बहुत अच्छा चीज़ हो गया, तो बोलते हैं ना साधारण आदमी भला मानस होता है ना, यूजुअली भला मानस ही होता है। वो इसको बाजार में आदमी कंज्यूम कर पाए उसके लिए उतारना, अब ऑब्वियस सा बात है कि भला मानस होने से भी ये थोड़ी है कि दानवीर कर्ण हो ले, तुम्हारा ही हानि होगा। तो वो इसको बाजार में बेचना चाहते थे, बेचने के लिए क्या है कि कुछ खास नियमों का पालन करना था, पेटेंट होना चाहिए, तुम उसको उत्पाद कर सको तो उसका तुम्हारे पास अधिकार होना चाहिए, वही पेटेंट होता है, ठीक है। तो वो और तुमको सुरक्षा भी देगा कि तुम्हारा वो जो आइडिया है उसको कोई कॉपी ना कर ले, मैंने वो जिससे जो भी उत्पादन से तुमको पैसा मिल रहा है ना वो तुम्हारे नाम में ही आएगा, ठीक है। उनको ये ना मिला भी, लेकिन ये सब जब होने लगा ना, तो वही मॉडर्न साइंस के पुजारी सब जो हैं यानी मॉडर्न साइंटिस्ट लोग, ये लोग एकदम उसका नाम उछालने लगे मीडिया में, उसका जो ये हरकत हुआ इसको टोना टोटका बताने लगे, बोले कि क्योंकि अल्केमी का इतिहास निकल के आ रहा है ना, तो उनका पूरा नाम बदनाम किया गया, उसका जो ये केमिकल सब मिल रहा है इसको एकदम पूरा मार्केट से हटा ही दिया जाए बोल के, होता है ना पैसे के बल पर रिसर्च ला दिया गया मार्केट में कि ये खतरनाक है, तो ये है वो है, इसको कंज्यूम करोगे तो मर जाओगे, वही मूल जेनेसिस का स्टोरी कि भले बुरे का ज्ञान का फल खाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, वही लैंग्वेज आज भी यूज़ हो रहा है। और मैंने उनका जो रिसर्च सब भी वो करवा रहे थे ना, बाकी जो हेल्पफुल साइंटिस्ट लोग थे उनका फंडिंग, अब तुमको मैं क्या बोला, बंद व्यवस्था है, पैसा तो उनके पास से ही चल रहा है, ये सब भी बंद करवाते हैं, बिना फंडिंग कैसे रिसर्च होगा। तो हडसन अब गुमनाम हो चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में अता पता अब नहीं है, बोला जाए तो बोलते हैं ना सरकारी दस्तावेजों से अपने आप को गायब कर लिया, क्योंकि उनको जान के भी खतरा हुआ था, लोग मारने पे भी दौड़ दिए। उनका जो रिसर्च सब है ना वो अब तुमको उनके पास ही मिलेगा जो मैंने क्या बोलेंगे उसको, जिनको संग्रह करने का हैबिट होता है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं ना दुनिया में लाइब्रेरी बनाना पसंद करते हैं, तो कुछ कुछ उस तरह के दिमाग वाले जो हैं उनका जो ये रिसर्च था उसको संग्रहित करके रखे ना, तुमको उनके पास ये मिल जाएगा, तुम उनसे परमिशन लेके उसका कॉपी सब ले सकते हो। ओके, ठीक है। तो मतलब ये जो हडसन जो पाउडर बनाए थे वो तो आम इंसान को नहीं मिल सकता है, मार्केट में खोजोगे तो मिल जाएगा, लेकिन गारंटी क्या है कि सही चीज़ है, वो तो सही चीज़ लाना चाहते थे, लेकिन देखो दमन का इतिहास है तो ऑब्वियसली, अभी देखो ये कोरोना वायरस का भी जब वैक्सीन आया तो क्या हुआ, आया ही ना, उसका भी कॉपी आ गया, तो जब इसका बात होगा तो हो सकता है इसका भी होगा मार्केट में, होगा, हम नहीं बोल रहे कि नहीं होगा, मगर हम उसका गारंटी भी कैसे लेंगे कि वो सही चीज़ है, क्योंकि जो उसका खोज किया था उसको तो लोग दबा दिए, दमन का इतिहास पर आप सोचो। ओके।